これ。やりますね。हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आपको उदयपुर की एक ऐसी जगह लेके जाने वाली हूँ जहाँ जाके आप लोग भी बहुत खुश हो जाएंगे। बहुत लोग यहाँ गए भी होंगे, लेकिन अगर नहीं गए तो आप मेरा फुल ब्लॉग देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो आज मैं आपको उदयपुर के पास श्रीनाथ जी का मंदिर है वहाँ का दर्शन कराने वाली हूँ। तो ये वहीं का नज़ारा है। हम लोग पहुँच गए उदयपुर से श्रीनाथ द्वारा जी। यहाँ पर मैं देखो शॉपिंग कर रही हूँ। यहाँ पर आने के बाद मुझे अच्छी अच्छी चूड़ियाँ दिखी, तो मैंने सोचा पहले वो ले लेती हूँ, क्योंकि जब हम पहुँचे थे उस टाइम मंदिर बंद था और मंदिर खुलेगा 4 बजे। तो इससे पहले हम क्या करें, हम पहुँचे थे उसी टाइम मंदिर बंद हुआ था, दर्शन 3 घंटे के लिए बंद थे। तो हमने सोचा थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं, तो इस टाइप से हमने शॉपिंग की। यहाँ पे बहुत ही अच्छा कलेक्शन था चूड़ियों का, जो कि मैंने भी लिया है। और अगर आप यहाँ जाते हो तो ये भैया से ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि इनके पास कलेक्शन बहुत ही अच्छा था। तो हम उदयपुर पहुँच गए थे, जो कि उदयपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर श्रीनाथ जी का मंदिर है। सभी लोग जानते हैं श्री कृष्ण भगवान जी का मंदिर है। और अगर आप यहाँ नहीं गए हैं तो प्लीज़ यहाँ पे जाएं और यहाँ दर्शन करें, क्योंकि यहाँ की कृष्ण भगवान की मूर्ति और यहाँ का मंदिर अद्भुत है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो बस हम शॉपिंग करने के बाद मंदिर के पास पहुँच गए। अभी भीड़ बहुत कम है, क्योंकि दर्शन रुके हुए हैं और सब लोग बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कब दर्शन होंगे। आप पीछे का नज़ारा देख सकते हैं, यही मंदिर है और इसी टाइप से बना है। इसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है, क्योंकि ये पुराने टाइप का मंदिर है। इसका नया आविष्कार हो भी नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ हाथ ही नहीं लगा पाए। जो मुग़ल लोग थे वो भी इस मंदिर को कुछ भी नहीं कर पाए। तो ये जैसे का तैसा ही है, उसमें बिल्कुल पुराने ज़माने के टाइप का अंदर पूरा मतलब यहाँ का जो बना हुआ है वैसा ही है। और ये मंदिर आप देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ जाने के बाद एक अलग ही शांति का अनुभव हो रहा था, और हमने भगवान जी के दर्शन करे उसके बाद तो इतना अच्छा लगा ना, मन बहुत ही अच्छा हो गया। और यहाँ पर ये मंदिर के सामने इस टाइप से रेलिंग लगी है, क्योंकि भीड़ एकदम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है ना कि लोगों को संभालना मुश्किल हो जाता है, और यहाँ पे रोक रोक के दर्शन किए जाते हैं, एकदम दर्शन नहीं होते हैं। तो हम यहाँ पे वेटिंग हॉल में जा रहे थे। यहाँ पे सभी भक्तों को वेटिंग हॉल में बिठाया गया था, क्योंकि जैसे ही दर्शन शुरू होते हैं तो कुछ मतलब क्वांटिटी में लोग भेजते हैं और उसको फिर रोक देते हैं, फिर थोड़े लोगों को भेजते हैं फिर रोक देते हैं। यहाँ पे जेंट्स और बॉयज़ की लाइन अलग अलग होती है, लेकिन आगे जाके आप अच्छे से उन लोगों से मिल लेते हो अपनी फैमिली से। तो बस ये वेटिंग हॉल है, यहाँ पे बहुत भीड़ थी। उसके बाद की वीडियो मैं आपको शूट ही नहीं कर पाई हूँ, जब उस टाइम बहुत भीड़। ये उस टाइम की बात है जब यहाँ पे भीड़ कम थी, लेकिन जब दर्शन शुरू हुए थे तो गैस ये पूरा हॉल भरा हुआ था, मतलब यहाँ पे खड़े होने के लिए जगह नहीं थी। तो ये आप मंदिर देख सकते हैं, कितना प्यारा नज़ारा है। मैंने सोचा मैं आपको बाहर से मंदिर दिखा दूं, क्योंकि अंदर से तो अलाउड ही नहीं है वीडियो बनाना, आपको मोबाइल बाहर ही जमा करना होगा, आपके पास पर्स जो कुछ भी अंदर कुछ नहीं ले जा सकते हैं। तो आप